आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी मराठी लेसन मालती जी चतुराई। तो इस लेसन में जो बताया गया है ना कि अगर आपने हमेशा सुना होगा तो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि औरतों की अक्कल तो घुटनों में होती है। तो जब अच्छा वक्त होता है ना आदमी का तो ज्यादातर औरतों पे मजाक बनाए जाते हैं या औरतों की राय को लोग कम मानना पसंद करते हैं कि अरे औरत है ना ऐसा नहीं, इसका कम सुनना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब वक्त बुरा होता है ना तो सबसे पहले जो वक्त बुरे में खड़ी होती है ना वो एक औरत ही होती है जो हमेशा है ना सबको हिम्मत देती है। वो कभी भी अपने मन में ये बात नहीं रखती कि उसका किसी ने मजाक बनाया या उसके ऊपर बहुत सारे जोक्स भी बनते हैं, ठीक है। और जैसे बोलते हैं ना कि औरतों की अक्कल तो घुटनों में होती है, लेकिन जब वक्त बुरा आ जाए और जब औरत अपनी आई पे आ जाए है ना, जब वो अपनी बुद्धि लगाती है ना तो बड़े से बड़े संकट को वो दूर कर देती है। तो इसमें ऐसी एक औरत दिखाई गई है मालती। तो उनके घर पे भी ऐसी क्या तकलीफ आ जाती है कि वो अपनी इतना दिमाग लगा के अपनी चतुराई दिखा के है ना वो संकट से दूर हो जाती है। तो उसी लेसन को हमें पढ़ना है। मालती जी चतुराई मरना शीता वरुण घरी आला त्याने दोने ही बैलाना गोठ्यात बांधले त्याने सारा पाणी दिले हात पाय धुवून तो घरात गेला त्याची पत्नी मालती हिने भाजी भाकरी केली होती दोघांनी जेवण केले मरना शेतातील कामाने खूप दमला होता अंथरुणावर पडताच त्याला झोप लागली सकाळी तो लवकर उठला बाहेर आला पाहतो तर काय गोठ्यात एकच बैल दुसरा बैल गायब है ना। अब इसमें देखो जो औरत है उसका नाम है मालती जो मैंने आपको पहले बताया और उसके पति का नाम है मरना। वो क्या है फील्ड में से काम करके अपने घर आता है और उसके दो बैल होते हैं, ठीक है। उसको गोठियात बांधता है यानी जो उनकी जो जगह होती है शेड होती है उसको वहां पे बैल को बांध देता है। और देखो जो शेड में अपना काम कर रहे हैं फील्ड में काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि वो मेंटली इतना प्रेशर नहीं लेते जितना उनकी जो बॉडी होती है फिजिकली काम करती है। फिजिकली काम करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको थकान हो जाएगी। जब वो घर पे आए उन दोनों ने पति पत्नी ने खाना खाया, उसने भाजी भाकरी बनाई थी, उन्होंने खाना खाया, अंथरुणावर मतलब बिस्तर पे लेटने के साथ ही उसे मरना को नींद आ गई, ठीक है। और जब वो सुबह जल्दी उठा तो उसने क्या देखा कि उसके जो शेड था उसने जहां पे बैल को बांधा हुआ था गोठ्यात में उसमें एक ही बैल था और दूसरा बैल गायब हो गया था। अगर गोठ्यात एकच बैल आहे आपला दुसरा बैल कुठे गेला मरणाने घाबरू मालतीला विचारले मालती झटकन बाहेर आली तिलाही या गोष्टीचे नवल वाटले। अब उसने जब देखा कि गोठ्यात में एक ही बैल बांधा हुआ है और दूसरा बैल नहीं है तो वो घबरा गया और उसने अपनी पत्नी को पूछा कि अरे एक ही बैल है दूसरा बैल कहाँ गया। और औरत अंदर थी वो तुरंत बाहर आई और उसको भी मतलब बोलते ना सुनने के बाद में आश्चर्य लगा कि अरे दो बैल थी तो एक बैल कहाँ गई। मरना ने आणी मालती ने गावात बैलाचा शोध सुरू केला गावभर शोध घेतला पण बैल काही सापडेना दोघेही खूप थकले घरी आले आता काय करावे बैल कुठे गेला असेल एकच बैल शेती कशी करायची मरना डोक्यात हात लावून बसला। अब देखो वो दोनों ने क्या करना शुरू किया मरना ने और मालती ने पति पत्नी ने क्या शुरू किया बैल को ढूंढने की कोशिश की। सिंपल बात है अब देखो इसमें ये दिखाया है कि वो कहाँ ढूंढते हैं गांव में। अगर आपको राइट और रॉन्ग ऐसी कुछ लिख किया मालती और मरना ने बैल को शहर में ढूंढा या गांव में तो आप क्या लिखेंगे गांव में क्योंकि वो गांव में रहते तो बैल को बैल जो सुबह उनको रात को बांधा और सुबह वो ढूंढने लगे जब नहीं मिला तो ढूंढने के लिए बैल को वो गांव से शहर नहीं जाएंगे गांव गांव में आसपास ही ढूंढेंगे क्योंकि इतनी फटाफट से वो शहर में नहीं चला गया होगा। तो ये कॉमन सेंस के बोलते हैं ना क्वेश्चन आते हैं ना तो उसको भी आप समझा करो। दोगे ही खूब तकले घरे आली अत्ता काय करावे बैल कुठे गेला असेल। अब जब उन्होंने गांव भर में उसको ढूंढ लिया जब वो बैल नहीं मिला तो थक तो ऑटोमेटिक गए और इसमें क्या हो गया फिजिकली भी थक गए और मेंटली भी थक गए क्योंकि ढूंढ रहे हैं चल रहे हैं तो परेशान और जो मन में मेंटली टेंशन है वो तो लिमिट से ज्यादा, ठीक है। अब उनके दिमाग में क्या टेंशन बढ़ने लगी कि जो हम अपनी खेती करते हैं ना फार्मिंग का काम करते हैं उसको हम कैसे करेंगे। मरना डोक्याला हाथ लागून बसला होता। अब अगर पिक्चर में भी देखोगे ना तो आदमी के साथ सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है क्योंकि टेंशन है। देखो सबसे बड़ी बात इसमें जो घुमा है वो उनका है बैल, ठीक है। अभी उस टाइम पे इनका जो ये बैल है कोई घर का पपी या कैट नहीं है कि उसको अपने से पेट एनिमल की तरह पाला है, ठीक है ना। वो भी घूम जाता है तो भी लोगों को टेंशन हो जाती है ना। लेकिन इसमें तो उनका बैल गया है तो बैल गया है ना तो उसमें तो उनकी बोलते ना जो मेन रोजी रोटी है वही उनकी चली गई है। अगर उनके पास बैल नहीं होगा फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो कैसे जिएंगे वो। तो उनकी टेंशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तीन चार दिवस गेले मरना मालतीचा म्हणाला आपण तालुक्यात जाऊ तिथे गुरांचा बाजार भरतो तिथून एक बैल खरेदी करू। मालती म्हणाली खरं आहे तुमचा एक बैलावर नागरणी कशी करायची। अब देखो तीन चार दिन हो गए उनको लगा कि कहीं ना कहीं बैल मिल जाएगा। ऐसा होता है ना कि कहीं घूमने गया निकल गया और वापस आ जाए क्योंकि जो जानवर आपके यहाँ पे बहुत सालों से है ना तो ऑटोमेटिक उसको भी प्लेस याद हो जाती है। लेकिन वो बोलते हैं टेंशन में रहे अभी क्या करें क्या नहीं करें
उसके बाद उनको ने क्या बोला कि हमको तालुका में जाना चाहिए, ठीक है, गांव से बाहर ही थोड़ा सा बाजार लगता है उनका, गुरान सा यानी इसको पशुओं का बाजार लगता है, वहां से जाके हमें एक बैल खरीदना चाहिए, दो नहीं खरीदने हैं, एक ही खरीदना है क्योंकि एक ऑलरेडी उनके पास है और एक नहीं खरीदना है। मैं इसलिए बीच में आपको क्वेश्चन आंसर कर देती हूं क्योंकि कुछ बच्चे जब हम सिखा रहे होते हैं ना तो बोलते टीचर खेती के लिए तो दो लगेंगे, तो बेटा पैसे बचाने के लिए एक बैल ऑलरेडी इधर है तो आपको एक ही खरीदना है, तो ये भी कॉमन सेंस रखना है। ये हमेशा मैं बताती हूँ जब कोई लेसन आपको आते हैं ना तो ये आपके माइंड खोलने के लिए आते हैं कि अगर आपके पास कोई दो चीज है, आपकी गुम जाती है, कोई चुरा लेता है या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, अगर एक चीज है तो दूसरी चीज खरीदो और उसको लेबल करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम नया खरीदते तो हम दूसरा भी नया खरीदेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो उन्होंने भी सेम दिमाग लगाया, दूसरे बैल को खरीदा, एक बैल उनके पास था। उसकी बीवी बोली हाँ आप सही कह रहे हो, नहीं तो हम क्या करेंगे एक बैल पर नागर रणी कशी करेंगे, यानी जो खोदने का प्लफिंग का काम होता है वो हम कैसे करेंगे। दोगे तालुक्यात आले, गुरन से मोटा बाजार भरला होता, बाजारात जनावरांची खरीदी विक्री सुरू होती, आपल्या बैलांचा जोडी जोड़ीला जोड़ असा बैल शोधत ते दोगे बाजारात फिरू लागले, ठीक है। अब देखो वो तालुका में आ गए अपने बैल देखने के लिए कि भाई हमको जो बैल खरीदना है, वहां पे आप नीचे की पिक्चर में देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे बैल यहाँ पर दिखाए हुए, कुछ लोग खरीद रहे थे कुछ लोग बेच रहे थे। अब वो लोगों ने दिमाग क्या लगाया कि हमारे पास जो बैल है उसके हिसाब से हमें जोड़ीदार चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बैल बहुत छोटा आ गया या एक बैल जो उनके पास बैल है उससे बड़ा आ गया, ऐसा नहीं चाहिए, उनको कैसा चाहिए जोड़ीदार चाहिए, ठीक है। तेवढ्यात मालतीचा त्यांचा हरवलेला बैल दिसला, ते दोघे झटकन बैलाजवळ पोहोचले और जैसे ही वो अपना ढूंढ रहे थे, दिमाग लगा रहे थे कि नहीं हमारे पास जैसा बैल है वैसी हमें जोड़ीदार चाहिए, इतने में मालती की नजर किसके ऊपर चली जाती है, उनके बैल के ऊपर चली जाती है जो उनका बैल गुम गया था। हा तर आमचा बैल, असे म्हणत मालती ने बैलाला अंजारले को अंजारले, है ना, तो वो देख के बोलती ये तो हमारा बैल है, अंजारले को मतलब से कुदर प्यार से बोलते अरे ये तो हमारा ही है, या माणसाने आमचा बैल चोरला असे म्हणत तिने आरडा ओरडा करायला शुरुआत केली, ठीक है। तो उसने जब वो बैल को देखा कि अरे ये तो हमारा बैल है ना, तो उसने बोला कि इस जिस आदमी के पास वो बैल था, बैल के पास जो आदमी खड़ा था, उसने बोला उस आदमी के बारे में कि इस आदमी ने हमारे बैल को क्या किया है, छुड़ा लिया है, ना आरडा ओरडा केला मतलब चीखने लगी चिल्ला के, जैसे बोलते ना कि अरे ये चोर है ऐसा। बैल छोड़ा माणूस मनातून घाबरला पण तसे ना दाखवता तो मातीशी भांडू लागला। अब देखो चोर के मन में बोलते ना तिनका जरूर होता है, अगर आपने कहावत सुनी होगी तो, यानी उसके मन में खटका तो बैठ गया कि हाँ इसने मुझे पहचान तो लिया है, लेकिन क्या बोलते ना अपनी चोरी पकड़ी ना जाए जब तक, तब तक तो होशियारी दिखानी चाहिए ना कि कहाँ हम नहीं पकड़े जाए, बच गए तो बच गए, तो उसके मन में तो डर बैठ गया, लेकिन अपने डर को ना दिखा के उसने क्या किया, उल्टा उससे भांडू लागला यानी उससे झगड़ा करने लग गया मालती से। तुमचा बैल मी कशाला घेऊ, हा माझाच बैल आहे, मीच याला लहानाचा मोठा केला आहे, असा तो कांगवा करू लागला, बैला भोवती लोकांची गर्दी जमली, है ना। अब उसने क्या किया ना, वो बोलता है मैं तुम्हारा बैल क्यों चुराऊंगा, इसको छोटे से बड़ा मैंने किया है, उन दोनों में आर्गुमेंट शुरू हो गया। तो उसने क्या किया, लोगों को देखो अभी जब कहीं भी झगड़ा वगैरह होता है ना तो कुछ लोग कैसा चल रहे होते हैं तो भी पलट के तो जरूर देखते राइट, और कुछ लोग कैसा होता है पास में आके जमा हो जाते हैं, ठीक है। मालतीच्या लक्षात आले हा चोर आपला बैल सहजासहजी देणार नाही, काहीतरी युक्ती केली पाहिजे, तिने झटकन बैलांच्या डोळ्यावर हात धरला। अब देखो कुछ लोग कैसे समझदार होते हैं मालूम है कि पहले एक बार बोल के देखते हैं कि शायद समझ जाए, चोर अपनी गलती को मान ले तो हम भी नहीं चाहते कि उसको कोई तकलीफ हो, गलती कर दी जाने दो उसको ऊपर वाला सजा देगा, लेकिन कुछ जब लगता है ना कि हम सही हैं और हम ही को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको कैसा होता है ना, बाहर वालों के हिसाब से नहीं मारा जाता है, उनको दिमाग से मारा जाता है। तो मालती जो थी वो बहुत समझदार थी, उसने कैसे किया, उसने समझ लिया कि ये आदमी हमको आराम से हमारी बैल नहीं देगा, इसलिए उसने युक्ति यानी उसने अपना दिमाग लगाया कि हमें क्या करना चाहिए। उसने अचानक से क्या किया, बैल के दोनों आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया, ठीक है। सांग बरा याचा कोणता डोळा अधू आहे, डावा की उजवा, मालकीने चोराला विचारले, चोर गोंधळला आणि म्हणाला माझ्या बैलाचा डावा डोळा अधू आहे, ठीक है। अब उसने उसके जब आंख के ऊपर दोनों आंखों के ऊपर बैल के रख दिया तो उसको बोला चल ये बता कि इसका कौन सा जो आंख है डावा लेफ्ट या राइट, है ना, कौन सा अधूआ है, यानी आप बोल सकते हो काणा है, ठीक है, उसकी कौन सी आंख में प्रॉब्लम है ना। तो वो तुरंत क्या बोलता है चोर, माझ्या बैलाचा डावा डोळा अधूआ है, यानी उसने क्या बोला कि मेरा जो बैल का लेफ्ट वाला है ना डावा डोळा अधूआ है, नक्की ना बैलांचा डावा डोळा अधू असेल तर हा बैल तुझा, नाही तर तो माझा आहे, देख ले पक्का सोच ले, अगर डावा है ना अधू तो तेरा नहीं तो मेरा, इसने एकदम कॉन्फिडेंस से बोला। वो चोर था तब इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, ये तो उसकी मालकिन है ना, उनकी रोजी रोटी है, तो उसके सुर में कितनी ताकत होगी। मालती मनाली, चोरा ने थोड़ा विचार केला, त्याच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला,
या स्त्रीच्या बोलण्यावरून माला बैलांचा डावा डोळा अधू नसावा, नाही नाही माझा बैल उजव्या डोळ्याने अधू आहे, चोर पटकन म्हणाला। त्याने असे म्हणताच मालतीने बैलांच्या डोळ्यावरचा हात बाजूला केला। अब देखो, जब मैंने आपको पहले बोला कि जब ये चोरों की इतनी आवाज निकाल सकता है, वो तो उसकी मालकिन है, बैल की है ना, तो उसकी आवाज में कितना दम होगा। सेम लाइन उन्होंने लिखा लिखी भी है, तैसे माना ढोंदर डिमांड जरा या नीचे बोलने वरुण, यानी उसको लग गया कि ये औरत की आवाज से ही ऐसा लग रहा है कि ये कहीं सच तो नहीं बोल रही है, कि इसका उजवा है कि डावा अधू अश्रु है। वो कंफ्यूज हो गया, गोंधड़ गया एकदम। तो बाद में उसने बोला नहीं नहीं उजवा है, पहले क्या बोला था डावा, अब क्या बोल रहा है उजवा, ठीक है। और तुरंत उसने जैसे ही वापस रिपीट किया कि नहीं मेरा उजवा है, तो मालती ने जो उसके बैल के ऊपर हाथ रखे हुए थे ना आंखों के ऊपर, उसने तुरंत हटा दिए। अरे चोरा, या बैलांचे दोन्ही ही डोळे चांगले आहेत, असे मालती ने म्हटल्या बरोबर चोरांची भंभेरी उडली। लोकांसमोर चोराची लबाडी उघडकीस आली। सगळ्यांनी मालतीच्या चतुराईचे कौतुक केले आणि चोराला पोलिसांचे ताब्यात दिले। मालती आणि मल्ला आपल्या बैलाला घेऊन आनंदाने घरी आले। अब देखो, उसने बोला अरे चोरा, अरे चोर, इसकी दोनों आंखें सही है, ना लेफ्ट में प्रॉब्लम है ना राइट में प्रॉब्लम है। देखो चोर चोर होता है, उसको नहीं मालूम था कि उसको सच में क्या है, उसे तो चुरा के लाया, उसको प्रश्न उत्तर किया, उसको जवाब देने को आया नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना कि झूठ कितने दिन चलेगा, उसका झूठ तो 3-4 दिन चला। अब बोलो टीचर कैसे है, तो फर्स्ट पेज पे है ना, 3-4 दिवस जाले होते तो 3-4 दिन ही उसका झूठ चला, ठीक है। और मालती ने अपनी चतुराई दिखाई लोगों के सामने, जो गर्दी इकट्ठी हुई थी, भीड़ इकट्ठी हुई थी, उनको पता चल गया कि ये जो बैल है उस चोर का नहीं है, मालती का है। तो मालती और को मिल गया, उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस के हाथ का हवाले उसको कर दिया, ठीक है। और मालती और मल्ला अपने बैल के साथ घर पे आ गए, उनको दूसरे बैल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर एक औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, ऐसे आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो इस लेसन में हमें बहुत अच्छा बताया है कि एक औरत ने अपनी बुद्धि लड़ाई और अपने घर के लिए जो उसको बैल चाहिए थी रोजी के लिए उसने रिटर्न लेके आई। तो ये नहीं है कि औरतें ही समझदार होती हैं, आदमी भी समझदार है, लेकिन आदमियों पे मजाक नहीं बनता है। तो यही कोशिश करनी चाहिए, आप लड़की देख रहे हो या लड़के देख रहे हो, जो भी कोई आप देख रहे हो, कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाए। वक्त में कब किसकी बुद्धि काम आ जाए किसी को नहीं पता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। थैंक यू।